This call is now being recorded. This call is now being recorded. जी हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, गूगल डायर की सबसे इरिटेटिंग बात यही है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि भैया कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे गूगल डायलर जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन भी नहीं देता है। यहाँ पे अगर आप इस तरह के फीचर्स को अप्लाई करते हो अपने मोबाइल में, अगर डिसेबल करते हो गूगल डायलर की इस अनाउंसमेंट को, तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड्रॉयड 12 रियलमी और 3.0 कलर 12 में गूगल डायलर जो वर्क नहीं कर रहा है उसके रिगार्डिंग सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो गूगल डायलर है उसमें हमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन तो नहीं मिलता है, मैनुअली हमें कॉल रिकॉर्ड करना पड़ता है एंड सामने वाले को भी पता चल जाता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, एक अनाउंसमेंट होता है। यहाँ पे ये जो है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। अब इसके लिए वीडियो बहुत सारे बन चुके हैं कि इसे कैसे डिसेबल करें। TTSLEXX एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और ये जो ऐप है, ये जो ट्रिक है दोस्तों, इसके बारे में मुझे बहुत पहले से ही पता था। 2-3 महीने पहले से ही मेरे चाइनीज़ फ्रेंड ने मेरे साथ ये शेयर किया था एंड यहाँ पे वीडियो मैंने नहीं बनाया था। उसके रिगार्डिंग सारी कुछ बातें आपको बताऊँगा कि क्यों वीडियो मैंने नहीं बनाया था। एंड यहाँ पर ये वीडियो जो है बहुत से यूट्यूबर्स ने बनाए हैं व्यूज़ के लिए बनाए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एंड वेबसाइट में भी, बहुत सी वेबसाइट में भी आपको इसके बारे में जो है जानकारी मिली होगी। तो भाई, इसको इंस्टॉल इस तरह से कर लेना है। सेटिंग में जाके आपको सर्च करना है टेक्स्ट टू स्पीच एंड यहाँ पर इसे टैप कर देना है। प्रेफर्ड इंजन वाला जो ऑप्शन है इसे टैप करना है और यहाँ पर आपको TTSLEXX जो ऐप आपने इंस्टॉल की थी ये सिलेक्ट करना है। भाई, जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे यार, यहाँ पे आप देख सकते हो अटेंशन बहुत बड़ा यहाँ पे लिख के आया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो सॉफ्टवेयर है TTSLEXX, ये आपकी सारी जानकारी ले लेगा अगर आप बात करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड जो पासवर्ड्स वगैरह हैं वो सारी जानकारी स्केप तक चली जाएगी। स्पीच सर्विस बाय गूगल का अगर ऑप्शन एक ही रहता है, गूगल दोस्तों सर्विस प्रोवाइड करता है, गूगल यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बट उसका मिसयूज़ नहीं करता है। बट ये ऐप अगर इसका मिसयूज़ करना चाहती है तो आपका क्रेडिट कार्ड जो नंबर है, पासवर्ड्स वगैरह हैं, वो सारे चले जाएंगे। भाई, इसको यूज़ करने के बाद, यहाँ पे स्टोरेज डाटा वगैरह क्लियर करने के बाद, आप अगर किसी पर्सन को अगेन से कॉल लगाते हो, मैनुअली कॉल रिकॉर्डिंग करते हो, दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड वाला जो आवाज़ है वो सामने तक नहीं जाएगी, क्योंकि आपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसे चेंज कर दिया है। बट यहाँ पे अटेंशन को एक और बार ध्यान से पढ़ लेना भाई, कि आपके जो क्रेडिट कार्ड जो पासवर्ड्स हैं वो इस ऐप के थ्रू चले जाएंगे एंड ऐप जो है इसका क्या मिसयूज़ करेगी, ये भाई आप खुद ही सोच सकते हो। दोस्तों, गूगल डायलर या फिर रियलमी डायलर में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन मैं भी चाहता हूँ, बस इस कीमत में नहीं कि मेरे जो कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड्स हैं, अदर्स पासवर्ड हैं, वो किसी और को पता चल जाए। तो मैं इसे यहाँ पर सिंपली अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अगर आपने भी किसी का वीडियो देख के इसे इंस्टॉल किया है तो सिंपली इसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, और अगर आप अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद जो है ऑप्शन अगेन से आ जाएगा। इसमें जो है सामने वाले को पता चल जाएगा कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है बट आपका कोई पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो नंबर है वो लीक नहीं होगा। रियलमी 3.0 में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर है अभी तक वर्क नहीं कर रहा है। मैं बहुत बार ट्राई भी कर चुका हूँ, बहुत से यूट्यूबर्स वीडियो भी बना चुके हैं कि भैया वर्क करता है, बट उनकी जो ऐप है इंस्टॉल करने के बाद ब्लैंक कॉल रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे इस तरह के वीडियो में नहीं बनाना चाहता कि जो ओनली व्यूज़ के लिए बने। यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखते हो सिर्फ इसीलिए कि आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है सामने वाले को पता ना चले, तो भाई आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आपका जो डाटा है लीक हो रहा है, पासवर्ड लीक हो रहा है, जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। 3.0 एंड्रॉयड 12 में जब भी कॉल रिकॉर्डिंग पॉसिबल होती है उसके रिगार्डिंग वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। फिलहाल दोस्तों, अभी यहाँ पर कोई भी ट्रिक अवेलेबल नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज्वाइन करते रहिए वंदे मातरम।